शमी है तो क्या कमी है, पूरा देश जानने के लिए बेकरार है कि आपकी वापसी कब होगी। आप इस फिटनेस के बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। तो शमी, आईपीएल टेंशन आने वाला है, गुजरात नहीं तो कोई ऐसी टीम जिससे आप खेलना चाहते हो। अच्छा, आपने एमएस धोनी की कप्तानी में अपना डेब्यू किया था, उसके बाद आप विराट की कप्तानी में भी खेले जहाँ पे तेज गेंदबाजों का एक अलग ही ऑरा देखने को मिला, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी, किसकी कप्तानी में खेलने में सबसे ज्यादा मजा? शमी है तो क्या कमी है, लेकिन इस वक्त टीम इंडिया को शमी की ही कमी है। तो चलिए शमी से ही जान लेते हैं कि आखिर ये कमी कब दूर होने वाली है। शमी, मतलब पूरा देश जानने के लिए बेकरार है कि आपकी वापसी कब होगी। देखिए, कोशिश जारी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी फिट हो सके, जितना मीन्स अगर आप इस फिटनेस के बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, इतने टाइम से बाहर भी हो, लेकिन कोशिश वही हो रही है कि जितना अब जितना जल्दी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जितना जल्दी आप फिटनेस पे इम्प्रूव कर सकते हैं और जितना जल्दी आप डोमेस्टिक मैच खेलें उतना बेहतर होगा मेरी टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा, अभी हाल ही में आपकी वीडियो सामने आई थी, इसमें आप अभिषेक नायर को बॉलिंग करा रहे थे, शुभमन गिल को भी आपने काफी बैटिंग प्रैक्टिस कराई, तो कुछ बात हुई आपके अभिषेक नायर से या फिर गौतम गंभीर से? नहीं, जस वो तो एक बॉलिंग सेशन था मेरा, तो मैंने जस ऐसे ही पूछ लिया कि भाई किसी को बैटिंग करनी है तो आप प्लीज आइए और बैटिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं तो एक अच्छी इंटेंसिटी से डालने वाला था, तो किसी को बैटिंग करनी है तो बेटर ही है कि हाँ आप बैटिंग कर लो। मैंने तो एक जस्ट फॉर सेशन के हिसाब से मैंने पूछा है। अच्छा शमी, आईपीएल रिटेंशन आने वाला है, कुछ फ्रेंचाइजी ओनर से बात हुई है आपकी, मतलब कि मतलब रिटेन कर रहे हैं? देखिए, उनके हाथ में, उनको रिटेन करना है नहीं करना है ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, फिर भी अगर गुजरात नहीं तो कोई ऐसी टीम जिससे आप खेलना चाहते हो, कोई पसंदीदा टीम? जिसको पसंद आ जाए हमारा स्किल, हम वहीं जाना पसंद करेंगे, क्या इसमें कोई हमारे हाथ में है नहीं। शमी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कोई प्रेडिक्शन? देखिए, उम्मीद यही करता हूँ, दो बार लास्ट के दो टूर्स रहे हैं हमारे, दोनों बार विक्ट्री हुई है 2018-2020 में भी, और होपफुली उम्मीद यही करता हूँ कि ये साल भी हम तीसरी बार चैंपियन हों, वहाँ पर हरा कर आए। बस कोशिश, उम्मीद यही करते हैं कि जो लड़कों का परफॉर्मेंस है, जो स्किल है, वो एक अच्छे ट्रैक पर है। अच्छा, आपने एमएस धोनी की कप्तानी में अपना डेब्यू किया था, उसके बाद आप विराट की कप्तानी में भी खेले जहाँ पे तेज गेंदबाजों का एक अलग ही ऑरा देखने को मिला, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी, किसकी कप्तानी में खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया? ये सवाल बहुत आता है कि किसकी कप्तानी में कंपैरिजन करा जाता है, आपको किस में मजा आया? मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आप एक अच्छे लीडर तब रहेंगे, तब आपके लीडरशिप को लोग जानेंगे, जब आप अपने प्लेयर्स को जानोगे, आपके प्लेयर्स कब आपका बेस्ट दे सकते हैं, किस सिचुएशन में आपका प्लेयर, कौन सा प्लेयर आपको बेस्ट दे सकता है, वही एक लीडरशिप होती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अलग चीज़ होती है, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हर कैप्टन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैटर्न अलग है लोगों का खेलने का, हर कैप्टन का एक तरीका अलग है कैप्टनसी करने का। आप जब धोनी को लोगे तो महेंद्र सिंह धोनी एकदम शांत बोले जाते हैं, एकदम एक शांत रहकर वो काम करना पसंद करते हैं। विराट वो एकदम अपोजिट है कि एग्रेशन में पसंद करते हैं, उसको एग्रेशन पसंद है। रोहित का एक सम टाइम होता है एग्रेशन, सम टाइम नहीं होता है, तो सबका एक प्ले करने का तरीका अलग है। तो बस मैं यही कहता हूँ कि कैप्टन को ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर किस टाइम पे बेस्ट है। अच्छा शमी, लगभग एक साल हो गया आप मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, इस बीच कोई ऐसा एक मैच आपको लगाओ कि यार क्या इस मैच का मैं पार्ट होता जो इंडियन टीम ने खेले? देखिए, ऐसे तो सभी मैच होते हैं कि कंट्री के लिए आप सर्व करें, कंट्री के लिए आप खेलते रहें, हमेशा से आपको जब बचपन से जो सपना होता है और जो पिछले 10-11 साल से कंटिन्यूस खेल रहे हैं आप, तो हर मैच मिस करते हैं हमेशा, स्पेशली जब वर्ल्ड कप मिस होता है तो ज्यादा दुख होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सरफराज खान को लेकर आप कैसे देखते हैं, मतलब बेंगलोर टेस्ट में भी 150 मारे और मतलब इतना मौका मिल नहीं पाता है, उनको देख के आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नया टैलेंट आपने देखा है, काफी अच्छा टैलेंट आया, बॉलर्स हों या बैटर्स हों, और सरफराज की जहाँ तक बात है, सरफराज ने डोमेस्टिक में भी आपको प्रूव करके दिया है, और आज ऐसे नहीं कि ये साल में, उसने पिछले 4-5 साल जब आप उठाकर देखोगे, 3-4 साल जो भी रिकॉर्ड उसने बनाए, जितने 100 बनाए मुझे नहीं लगता किसी ने बनाए होंगे। बिल्कुल, और टैलेंट की तो आपको पता है, नो डाउट कि हाँ उसमें कैलिबर है, लंबी इनिंग खेल सकता है। सो उम्मीद यही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो चाहे बॉलर्स हों या बैटर्स हों, कि अपने स्किल पे फोकस रखें, और जो टैलेंट अभी यंगस्टर्स में है, भरपूर टैलेंट, और जो कंट्री के काम आ सके। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शमी, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से रिकवर हो, एक बार फिर से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आए। थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।